पटना में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर लोजपा के एकलौते विधायक राजकुमार सिंह के मुलाकात के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। हालांकि लोजपा विधायक राजकुमार सिंह अशोक चौधरी के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन अब इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। क्या लोजपा विधायक जदयू के दामन थामेंगे? हालांकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व ही भाजपा के एकलौते विधायक ने जदयू का दामन थामा था। हालांकि अशोक चौधरी से जब राजकुमार सिंह के जदयू में आने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनसे पारिवारिक संबंध है और यह आएंगे या नहीं यह वही बता सकते हैं। कुछ एक विधायक भी आए हुए हैं ऐसी ऑफिशियल मुलाकात के लिए, तो क्या सब अपने क्षेत्र के कुछ काम से आए हुए हैं? सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे विधायक हैं, हमारे LJP के। अब व्यक्तिगत उनको अपने कंसल्टेंसी का कुछ काम था, उसके लिए आए थे, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी की पूर्व संध्या एक क्रांतिकारी के ऊपर किताब लिखा गई थी, ये लोग भी शामिल हो गए। सर जमा खान जी भी काम से गए थे, नजदीकियां बढ़ रही हैं लोजपा के। आई नो ही फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, 15 हम लोग व्यक्तिगत मित्र हैं, 15 सालों से जान। आएंगे क्या सर? आएंगे क्या? परिस्थितियों पर कुछ अब जीते हैं ये LJP से, तो ये ना बताएंगे कि आएंगे कि नहीं। जमा खान जी भी क्षेत्र का समस्या लेकर आए थे। बहुत राजनीति हमेशा की मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर मौजूद मटिहानी के लोजपा विधायक राजकुमार सिंह से जब जदयू में आने का सवाल पूछा गया तो राजकुमार सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी से उनका पुराना संबंध है, 15 साल का साथ रहा है, इसलिए वह सिर्फ मुलाकात करने आए हैं। वहीं नीतीश कुमार पर लोजपा सुप्रीमो के हमले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो राजकुमार सिंह ने कहा यह तो सुप्रीमो ही बता सकते हैं। अशोक चौधरी से क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या लोजपा विधायक की? अशोक तो चौधरी जी मेरे पिछले 15 सालों से दोस्त हैं, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, तो इसका कोई आप राजनीतिक मायने ना निकालें। आप लोग अभी यहाँ मिलने आया तो पुस्तक का विमोचन था, जिन्होंने हमें साथ में ले लिया, नजदीकी हमारी इनसे व्यक्तिगत पूर्व से ही है। जमा खान भी आए थे, इसे व्यक्तिगत रिश्ता ही जमा खान आई थी, वो अपनी बात वो कहेंगे। नहीं, नहीं, मैं अपनी नहीं, बात व्यक्तिगत रिश्ता समझा, क्योंकि आपके जो सुप्रीमो है वो लगातार कटाक्ष करते हैं, नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की भी बात करते हैं। देखिए ये बात आप सुप्रीमो से करेंगे ना, आप उनकी बात मेरे मुंह में क्यों डाल? जो पारिवारिक रिश्ता है अब एक पार्टी के साथ राजनीतिक रिश्ते में बदलेगा? NDA के साथ तो है ही, हम लोग NDA के साथ ही हैं, ये तो इनको पता ही है, हम लोग शुरू से NDA के साथ हैं। मतलब पक्षधर हैं कि JDU के साथ रहना चाहिए? कुमार हम लोग NDA के साथ हैं। नीतीश कुमार वाले NDA या चिराग पासवान वाला NDA? देखिए आप फिर NDA बिहार में NDA अभी नीतीश कुमार की है और केंद्र में NDA नरेंद्र मोदी जी की है, तो NDA तो NDA कॉमन है सर। 3 इकलौते विधायक थे, 2 आ गए। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में कयासों का दौर लगना शुरू हो गया है। क्या भाजपा के एकलौते विधायक के तर्ज पर क्या लोजपा के विधायक NDA में शामिल होंगे? हालांकि लोजपा विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि वह NDA के साथ हैं और NDA का समर्थन करते रहेंगे।